कि जब तक वोटों का बंटवारा होगा तब तक बीजेपी को लाभ मिलता रहेगा। यदि अलग से चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। एक तरह से ये समझिए कि डायरेक्ट जो है हम वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी सत्ता में आ जाए आराम से। प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं तीसरे मोर्चे की तैयारी है? लगातार इंडिया एनडीए दोनों के ऊपर घमासान चला है, अभी तीसरा मोर्चा कैसे इतने सारे मोर्चे बनने के बाद बहुजन जो है हुकुमरान बन पाएंगे? देखिए तीसरा मोर्चा अब राजनीतिक लोग समझें कि क्या करना है इस पे राजनीतिक लोग ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत राय है कि जब तक वोटों का बंटवारा होगा तब तक बीजेपी को लाभ मिलता रहेगा। जैसे हमारी दलित पार्टियां जो हैं, तमाम दलित जितनी पार्टियां बनाए हैं अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं, और जैसे बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, अभी तो नहीं कुछ कह सकते, हो सकता है बाद में मोर्चे में आ जाएं, लेकिन यदि अलग से चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। एक तरह से ये समझिए कि डायरेक्ट जो है हम वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी सत्ता में आ जाए आराम से। तो डीपी यादव बड़े शांत बैठे हुए थे पिछले कई वर्षों से, उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, कोई खुलकर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से तीसरे मोर्चा में वो खुल कर आए हैं उस पर क्या लगता है, प्रभावित कर पाएंगे? प्रभावित तो अब वो तो बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ इससे डिवीजन होगा वोटों का, चाहे 2% 5% जो भी होगा उससे लाभ बीजेपी को ही मिलने वाला है। कांग्रेस क्या स्थिति मानते कांग्रेस की? कांग्रेस देखिए एक ऐसी पार्टी रही है जो आज़ादी के समय से सबसे ज़्यादा शासन किया, और पूरे देश का जितना ढांचा डेवलप किया हुआ है वो कांग्रेस का है। दलितों की दशा दिशा में तो कोई सुधार किया नहीं उन्होंने? देखिए उसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते, आप ये समझिए देश का विकास हुआ जिस गति से हुआ जी, लेकिन उसमें बहुजन समाज का विकास कहाँ हुआ जी? उसको आप ये तरह समझ सकते हैं कि जितना नौकरियां दो बैच लोगों ने पाया है, आप ये समझ लीजिए कि रेलवे में अकेले 14 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। निजीकरण में तो वही लाए? हाँ, वो हम उसके पॉजिटिव पक्ष की बात करें, नेगेटिव की ना पूछे। हाँ, नेगेटिव ही पूछे, नौकरियां दी है तो छीनी भी तो है। जी, निजीकरण कर, और करीब करीब कोयले की खदानों में 3 लाख लोग नौकरी करते थे, जो 226 कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने, बांधे बने, अकेले देखिए इंदिरा नहर जो है 16,000 किलोमीटर की है, जो 13 जिलों की सिंचाई परियोजना है, तो काम बहुत हुआ है। उसके पॉजिटिव पक्ष को देखा जाए तो कम से कम 10 लाख शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी मिली है, और जो 2014 के बाद 4 लाख लोग रिटायर हो गए अभी तक, और एक भी भर्ती नहीं की गई। जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से वर्तमान में सभी पार्टियां मोदी योगी बीजेपी आरएसएस को लताड़ रही हैं, उनको खत्म करना चाह रही हैं, क्या क्या नुकसान आपको दिखाई देता है, इन्होंने क्या नुकसान किया है? एक्चुअली क्या है कि सत्ता में देखिए जो रहा हमको ये देखना है कि उसने कितना काम किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल कांग्रेस रही है लंबे समय तक, और उसके बाद लंबा समय बीजेपी का चल रहा है। दोनों का आप कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे शेड्यूल कास्ट के परिप्रेक्ष्य में तो 2014 के बाद जितना ठेकेदारी सिस्टम हुआ है और जितनी नौकरियां चली गई हैं, इससे शेड्यूल कास्ट सीधे मजदूरी करके अफसर बना था, इंजीनियर डॉक्टर बना था, और सीधे अब वो नौकरियां चली जाएंगी तो सीधे मजदूरी पे फिर से आ जाएगा। ये